भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रहम के मुंह से कश्मीर का जिक्र सुनकर गुस्से में आ गए और सिफारती आदाब फरामोश कर बैठे। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सेशन में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रहम ने भारतीय वजीर खारजा से कहा कि कश्मीर की सूरत हाल का अंजाम न जाने क्या होगा। बेहतर यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जमहूरियतें मिलजुल कर इस मसले का हल निकालें। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रहम का कश्मीर का जिक्र छेड़ना सुब्रमण्यम जयशंकर से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप फिक्र न करें, मसला कश्मीर भारत अकेला ही हल कर लेगा। इस मसले का हल एक ही जमहूरियत निकाल लेगी। When it comes to Kashmir, I don't know how it ends, but let's make sure that two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. दौरान कॉन्फ्रेंस भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दौरे पाकिस्तान पर भी तकलीफ का इजहार किया और कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा का एतबार कम हो चुका है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रहम उन चार अमरीकी सेनेटर्स में से एक हैं जिन्होंने अमरीकी वजीर खारजा से कहा है कि वो कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मोदी के मुतनाज़े शहरियत कानून के असरात की 30 दिन के अंदर अंदर तफ्तीश करें।